कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे एक किसान की सड़क हादसे में मौत। सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच फिर हुई झड़प। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर ट्रैफिक हुआ जाम। किसानों ने पीएम मोदी के सामने दिल्ली में प्रदर्शन स्थल मुहैया कराने की मांग। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म कर 3 दिसंबर को आकर बातचीत करने का दिया न्योता। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की 9 स्टेडियमों को किसान प्रदर्शनकारियों के लिए अस्थायी जेल में तब्दील करने की मांग ठुकराई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर पुलिस पर उन्हें जबरन घर में नजरबंद करने का लगाया आरोप। ट्वीट कर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने की दी जानकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई बीएमसी को फटकार। कहा गलत इरादे से की गई कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़। साथ ही कंगना रनौत को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने की दी नसीहत। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 4 में से 3 मामलों में हो चुकी है जमानत। गुजरात के राजकोट में कोरोना अस्पताल में लगी भीषण आग। आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों सहित कुल 6 मरीजों की जलकर मौत। पेट्रोल डीजल के दाम में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। आज डीजल की कीमत में 22 से 26 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 17 से 19 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार। कहा चुनावी धांधली के बावजूद अगर जो बाइडेन के जीतने की औपचारिक घोषणा होती है तो छोड़ देंगे राष्ट्रपति निवास।